नमस्कार, पॉलिटिकल ट्रेंड से मैं शिफानाज। आज की न्यूज हेडलाइंस कुछ इस तरह है। किसानों को मिल सकती है राहत, कर्ज माफी पर फैसला के लिए दबाव बनाएगी कांग्रेस। हेमंत मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे में कांग्रेस को अहम विभाग मिल गए हैं और अब पार्टी चुनावी वादों को पूरा करने में लग गई है। पहला निशाना कृषि ऋण माफी की घोषणा पर अमल कराना है। इस मामले में कोई कठिनाई भी सामने आते नहीं दिख रही है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसके लिए सहमत ही रहे हैं। समझा जा रहा है कि कैबिनेट में शीघ्र ही यह प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव कृषि विभाग का होगा और इसके मंत्री भी कांग्रेस कोटे से बने हैं। पैसे का इंतजाम करने के लिए वित्त विभाग भी कांग्रेस के कोटे में है। कुल मिलाकर इसमें कोई अड़चन नहीं है। अक्षय की क्यूरेटिव पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट से खारिज। फांसी की सजा से नहीं मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को अपने फैसले में निर्भया के दोषी अक्षय की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अक्षय की फांसी पर रोक लगाने की मांग भी ठुकरा दी है। ऐसे में अब उसकी फांसी का रास्ता भी साफ हो गया है। बता दें, निचली अदालत ने निर्भया के चारों दोषियों को 1 फरवरी को फांसी देने की तारीख तय कर रखी है। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान जामिया के पास फायरिंग, एक छात्र घायल। नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के विरोध में जामिया से राजघाट तक मार्च के दौरान बृहस्पतिवार दोपहर एक युवक ने गोली चला दी, जिसमें एक छात्र घायल हो गया है। फायरिंग की घटना के दौरान पुलिस चंद कदमों की दूरी पर तैनात थी, जिसे तत्काल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। घायल छात्र का नाम शादाब, जो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में पढ़ता है, जिसका इलाज पास के ही अस्पताल में चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। सेव कॉन्स्टिट्यूशन रैली में बोले राहुल, पीएम मोदी गोडसे के विचारों को मानते हैं पर कहने की हिम्मत नहीं। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी यह तय करने वाले कौन होते हैं कि मैं एक भारतीय हूँ। उन्हें यह तय करने का लाइसेंस किसने दिया है कि कौन भारतीय है और कौन नहीं। मैं जानता हूँ कि मैं एक भारतीय हूँ और मुझे यह किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में संविधान बचाओ रैली में बोल रहे थे। साथ ही राहुल ने रैली में प्रधानमंत्री मोदी की तुलना नाथूराम गोडसे से की। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों की विचारधारा एक ही है, लेकिन नरेंद्र मोदी के पास यह कहने की हिम्मत नहीं है कि वह गोडसे के विचारों को मानते हैं। बजट 2020, 1 फरवरी को पेश होगा बजट। 31 जनवरी को बजट 2020 1 फरवरी को पेश होगा बजट 31 जनवरी को आएगा आर्थिक सर्वे। आर्थिक सुस्ती के बीच देश के आम बजट का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। शनिवार यानी 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को बजट पेश करेंगी। हालांकि पहले बजट फरवरी के आखिरी सप्ते में पेश किया जाता था, लेकिन 2015 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने नई परंपरा की शुरुआत करते हुए 1 फरवरी को आम बजट पेश करना शुरू किया। वहीं हर साल की भांति इस बार भी आम बजट से ठीक एक दिन पहले यानी 31 जनवरी को आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा। अर्थव्यवस्था की सुस्त रफ्तार के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वे को सदन के पटल पर रखेंगी। धन्यवाद। आगे अपडेट्स के लिए देखते रहें पॉलिटिकल ट्रेड्स।